हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि कुछ इश्यूज थे। तो अब मैंने दोबारा से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ हम फिटनेस की बात करते हैं, वहाँ हमारी हाइजीन की भी बात होती है। तो आज मैं, जैसे कि मैं फॉरेन कंट्री में रहती हूँ, तो क्या होता है, वैक्सिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सलून जाना या सलून से किसी को बुलाना, घर पर डेली वैक्सिंग करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो दो तरीके होते हैं घर पे वैक्सिंग करने के, तो आप एपिलेटर यूज़ करें या फिर आप वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करें, बीच वाली। तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ फिलिप्स एपिलेटर का, कि वो कैसा काम करती है कैसा नहीं, वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी कि फिलिप्स एपिलेटर को हम कैसे यूज करते हैं। तो वैक्सिंग करने से पहले स्पेशली क्या होता है कि आपको स्क्रब करना बहुत जरूरी है, चाहे आप नॉर्मल वैक्सिंग कराएं चाहे एपिलेटर, क्योंकि जो बाल होते हैं ना वो अंदर स्किन के तो चले जाते हैं, तो स्क्रब करने से क्या होता है वो बाहर निकल आते हैं। तो पहले मैं स्क्रब करके आती हूँ दोनों हैंड पे। मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ आ रखी है अभी बालों की। तो अभी हम पहले स्क्रब करके आऊंगी, उसके बाद मैं आपको एपिलेटर कैसे यूज करते हैं और कहाँ आप बॉडी में यूज कर सकते हैं करके दिखाऊंगी। मेरी ग्रोथ अभी काफी आ गई है क्योंकि इतने बालों को करना ही होगा, ठीक है। तो मैं स्क्रब करके आती हूँ, उसके बाद आपको इसके रिव्यूज देती हूँ और बताती हूँ वो कैसे काम, जो मैंने कि अमेजोन से परचेज किया है। बेसिकली मैं इसको करीबन 2-3 साल से यूज कर रही हूँ। तो मैं इसके दो हैं, 1-2, बट मुझे हाईएस्ट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप सिर्फ एक से भी काम चला सकते हैं, ऐसी कोई नीड भी नहीं होती है। तो ये मेरा हैंड है, तो जैसे आपकी बालों की डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है, बालों की डायरेक्शन इस साइड में है, तो आपको उसकी अपोजिट साइड में एपिलेटर चलाना है ऐसे। देखो, हम वैक्स करेंगे एपिलेटर से, बेसिकली क्या होता है इसमें ना, प्लकर्स होते हैं बहुत सारे, इसमें ना बहुत सारे प्लकर्स होते हैं, वो एक साथ मशीन काम करती है तो सारे वो खींचते हैं। अब इसमें क्या होता है, करने के बाद आप इसको हटा के ऐसे साइड में से ऐसे हटा के इसको क्लीन भी कर सकते हैं, इसमें एक ब्रश आता है क्लीन करने के लिए। और आप इससे, हाँ, पेन का बताऊं तो इसमें एक्चुअली लिटिल बिट पेन होता है, जैसे वैक्सिंग में पेन होता है इसमें भी पेन होता है, लेकिन ये भी जड़ से बालों को उखाड़ के फेंक देता है। अभी मैं दोनों हाथों की वैक्सिंग करती हूँ अच्छे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर बहुत बाल हैं अभी। तो मैंने एपिलेटर से इससे, मैंने इसको क्लीन भी कर दिया है अच्छे से, मैंने इस एपिलेटर से पूरे हाथों पे, अभी आप देखो एक बाल नहीं है, पूरे दोनों हैंड्स पे वैक्सिंग की है मैंने, लेग्स पे वैक्सिंग की है मैंने इससे, टमी पे वैक्सिंग की है मैंने इससे, पूरा पेट साफ किया है मैंने इससे अपना, हेयर को रिमूव कर दिया है, सॉरी वैक्सिंग ने हेयर रिमूव कर दिया है। तो एपिलेटर आप कहाँ यूज कर सकते हैं, मैंने बेसिकली हमेशा टमी पर, बैक में, लेग्स पे, हैंड में और अंडर आर्म्स किया है। और इसके फायदे और नुकसान क्या है, बेसिकली इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि आप वैक्सिंग में जितना पैसा जाता है उतना बच जाता है। नुकसान क्या है कि ये बहुत टाइम लेता है, मुझे 1.5 आवर लग गया था इसको पूरी बॉडी में वैक्सिंग करने से। और दूसरी बात, मेरे बाल थोड़े हार्ड है, थोड़ी मुझे ज़्यादा पेन होता है, तो जिसको, और मे बी किसी को ज़्यादा पेन होता है किसी को कम, वैक्सिंग में ही मुझे काफ़ी पेन होता है बट एपिलेटर से भी मुझे काफ़ी पेन होता है। लेकिन आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आपके लिए बहुत बहुत किफ़ायती है। और इसे करने से, जैसे वैक्सिंग के बाद स्किन होती है ऐसे ही होती है, आपको फिलिप्स एपिलेटर बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, चीप एंड बेस्ट है। तो मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज रही हूँ, वहाँ से बहुत इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ है, मुझे कोई दाने नहीं हुए हैं, मुझे कोई पिंपल नहीं हुए हैं। हाँ, मैंने फेस पे कभी यूज नहीं किया है और ना मैं कभी करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये फेस के लिए सेफ है। फेस के लिए आप कुछ और वैक्सिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फुल बॉडी पर एपिलेटर को यूज कर सकते हैं। तो इसका ये रिव्यू था, बिल्कुल ट्रू रिव्यू था, क्योंकि मैं 3 साल से इसको कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।